इसके अधीन यू आर रीडिंग इन हिंदी, डू यू थिंक दैट आई विल अंडरस्टैंड? व्हाई यू वांट टू रीड अननेसेसरी? वही जो जो किताब हुजूर को हमने दिया है उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है विधि साहित्य प्रकाशन विधायी विभाग से। तो हुजूर पैरा 101 और 102 हुजूर देखा जाएगा उसमें इसी का अंग्रेजी। सर अगेन यू आर सबमिटिंग इन हिंदी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो हुजूर यही तो रोना है, हम भी अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं ठीक से। गुड, कीप ऑन आर्ग्यूइंग द मैटर इन हिंदी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। With reference to para 138 of the full bench decision, you are required to furnish translated version. You are not complied my previous order, therefore I have rejected your case. तो इसीलिए तो उसको वापस लेने के लिए हमने IA फाइल किया। हमारा ये है वसी उसी फुल बेंच का डिसीजन को देख करके। सर take up this matter and test before the LPA bench. LPA बेंच हुजूर हम जाएंगे जब हुजूर। No, I have rejected your petition. नहीं रिजेक्टेड तो फुल बेंच के लाइक में हुजूर रिजेक्ट कर रहे हैं। वो जो है 139 जो है वो फुल बेंच के मानी एक न्यायमूर्ति का विचार है। फुल बेंच का जो आदेश है वो 79 में स्वर सिंह बग्गा के संपुष्ट हुआ है। सॉरी मिस्टर प्लीज व्हाई डोंट यू ट्राई टेस्ट माय ऑर्डर बिफोर द एलपीए बेंच। Your case is already over. I have called the next case. नहीं तो बिना सुने हुए हुजूर आगे बढ़ने का नियम नहीं है। पहले सुन करके हुजूर को आगे बढ़ना है। इस तरह से मतलब आज से हिंदी में नहीं हो रहा। आज भी पटना हाई कोर्ट में सब न्यायमूर्ति सुन रहे हैं। अब हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद आप ही दीजिए। सर हम तो कह रहे हैं कि अनुवादक विभाग से मांग लिया जाए। अनुवादक विभाग यहाँ है, आजादी के पहले से है। उनको जो तनख्वाह मिलता है उसमें हमारा हिस्सा है, हमारे वकील का हिस्सा है। तो उससे मांगने में हुजूर को क्या जाता है? ये तो न्याय संगत बात हम बोल रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हमसे अंग्रेजी अनुवाद हुजूर मांग रहे हैं। तो वो एक डिवीजन बेंच का हम ऑर्डर दिखा रहे हैं, उसको विचार में लेकर के हुजूर आदेश पारित कर दिया जाए। वो हम लगाए हुए हैं एनेक्सर में। बस इतना ही तो हमारा प्रेयर है हुजूर। ये पेज 13 पर है, आईए का पेज 13। हार्डलैंड काउंसिल फॉर द पिटीशन, ये फुल बेंच का डिसीजन के बाद का है। जिस तरह से हुजूर कह रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद दीजिए उसी तरह से कहा गया था। मैंने निवेदन किया कि एक बार फुल बेंच को ठीक से सुन लिया जाए। सुना गया, सुनने के बाद पाया गया कि जो हिंदी में फाइल किया है उससे जबरदस्ती अंग्रेजी अनुवाद नहीं लिया जा सकता है। और चूंकि यहाँ अनुवादक विभाग है तो उससे मांगने में है, और वो मांगा गया हुजूर, देखा जाएगा। Hard learned counsel for the petitioner and learned counsel for the state, the petition